तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज जो ही मेरे हाथ में टेबलेट, आज हम इस टेबलेट के बारे में आपको बताएंगे, इसके मेन यूज, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज और इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने नाम रखा है, ब्रांड नेम जो इसका कंपनी ने रखा है, एसीसेफ 200 LB। तो दोस्तों, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है दोस्तों, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट दिया है वो मैं साल्ट फार्मूला कंटेंट बताई देता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीज दी है, सेफेक्सिम एंड लैक्टिक एसिड बिसेल्स। तो दोस्तों, ये दो दवाओं की कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मैं अभी इस साल्ट का मेन यूज आपको बताई देता हूँ दोस्तों, सेफेक्सिम का एंड लैक्टिक एसिड बिसेल्स का, कि किस काम में, किस बीमारी में यूज आता है। जैसे कि दोस्तों, आप सब जानते हैं सेफेक्सिम एक एंटीबायोटिक उससे ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसके मेन यूज बता रहा हूँ आपको, जैसे कि टॉन्सिल हो जाते हैं दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस बीमारी है कि ये हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में संक्रमण हो जाता है, सूजक हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ इस ऐसी बीमारी में इसका यूज लिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लैक्टिक एसिड बिसेल्स है दोस्तों, ये पेट की गर्मी के लिए, मतलब पेट में गर्मी नहीं बनने देता, तो ये उसके लिए इसका यूज लिया जाता है, मतलब इसके सेफेक्सिम के साथ में लैक्टिक एसिड बिसेल्स, तो ये पेट में गर्मी होने से रोकता है दोस्तों, एसिड को बनने से भी रोकता है और पेट में गर्मी नहीं होने देता दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इसके मेन यूज बताए, मैं आपको इसको दिखाई देता हूँ कि किस टाइप की है ये दोस्तों। दोस्तों, ये इथिकल जेलनिक दवाई, नकली गठिया आती है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये इथिकल है, जेलनिक नहीं, ये नहीं, सॉरी दोस्तों, ये इथिकल नहीं है, ये जेलनिक दवाई है, मतलब घटिया दवाई है। घटिया अच्छी दवाइयां आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कंपनी के हिसाब से भी आपको पता करना है, वो आपको खुद को पता करना है मेडिकल वाले से, कि ये मतलब असली है, नकली, मतलब नकली यानी, मतलब मेरा मतलब ये है कि इथिकल है या जेनिक। इथिकल होती है ब्रांडेड अच्छी दवाई होती है, और जेनिक होती है सस्ती वाली, जैसे ये दवाई है। और देखिए दोस्तों, घटिया वाली दवाई पे इसकी MRP देखिए, इन लोगों ने कितनी दी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, खाली मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, 195, और जबकि ये 30-35 रुपए की दवाई है, इससे महंगी नहीं है, ये मैं खुद अपनी बता रहा हूँ दोस्तों आपको, इसलिए दवाई में मेडिकल वालों को फायदा होता है ज्यादा, हम लोगों को पता नहीं होता कौन सी इथिकल है, कौन सी जेनेरिक है, यानी कौन सी अच्छी है, कौन सी घटिया है, आम भाषा में मैं आपको दिखाई देता हूँ खोल के दोस्तों। इथिकल और जेनेरिक काम एक ही करती है, लेकिन जो अच्छी होती है वो जरा जल्दी काम करती है, और जो घटिया होती है वो देर से काम करती है, क्योंकि असली की तो अलग ही बात है। देखिए दोस्तों, कुछ देखने में ऐसा होता है दोस्तों, इस टाइप का देखिए। तो दोस्तों, चलिए अब मैं इसके साइड इफेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ आपको, कि इसके साइड नुकसान क्या देखने को मिलते हैं इस दवा के। दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट मिलेंगे, सूजक या परिपक्वता, अपचा, पेट में, पेट की गैस बन सकती है दोस्तों, तब जबकि ये इसमें लैक्टिक एसिड है, पेट में गैस नहीं बनने देता दोस्तों। अगर बने तो आप इसे ले, अगर ज़्यादा आपकी गैस बन रही है, खाने से ना रुक रही, तो फिर इसे आप छोड़ दें, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखेगा आपको, और पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं आपको, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत राय लें दोस्तों। दोस्तों, मैं अब इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ, कि इसकी डोज दोस्तों वैसे दिन में एक बार लेनी होती है, अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप दिन में दो बार भी ले सकते हैं सुबह शाम, लेकिन दिन में इसे एक बार लेना होता है। बच्चों की डोज दोस्तों कैलकुलेशन करके वो अपने हिसाब से देते हैं, बच्चों की डोज बॉडी वेट के हिसाब से, बड़ों की डोज बताइए, दिन में दो बार, अगर ज्यादा समस्या आ तो दिन में दो बार, अगर कम समस्या आ तो दिन में एक बार इसे ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला होती है, तो उसे मतलब इस पर अभी कोई पता नहीं चला कि नुकसान देती है, रिसर्च इसकी चल रही है, तो इसे जब भी लें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, या स्तनपान करने वाली महिला होती है दोस्तों, तो उसके लिए पूरी तरह ये सुरक्षित है, वो ले सकती है। तो दोस्तों, किडनी वाला भी पेशेंट इसको डॉक्टर की सलाह से ही ले, पूछ के। तो दोस्तों, लीवर में जिसकी कुछ वो हो प्रॉब्लम हो, वो भी डॉक्टर की सलाह से ले सकता है वैसे, लेकिन डॉक्टर से पूछेगा तो और बेहतर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और दोस्तों, हृदय वाले के लिए इसके साइड इफेक्ट की जानकारी पूरी तरह आगाह है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अब इसकी कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ, कि इसकी मिक्सिंग के बारे में, कि ये दो दवाओं की कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और इसमें क्या चीज़ कितनी है दोस्तों। तो देखिए इसमें दोस्तों, इसमें सेफेक्सिम जो 200 मिलीग्राम है दोस्तों, और ये लैक्टिक एसिड बिसेल्स इसके अंदर 60 मिलियन सपोर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिर्फ ओरल मुँह के थ्रू ही लेनी होती है दोस्तों,
और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली ये दवाई है दोस्तों, ये हर मेडिकल पे अवेलेबल होती है वैसे। तो दोस्तों अब मैं इसका दवाई का आपको मेन यूज बता देता हूँ दोस्तों, कि मेन यूज ये किस यूज में ली जाती है दोस्तों, इस बीमारी में यूज ली जाती है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे टॉन्सिल यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में संक्रमण हो जाता है, सूजक हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों और ये पेट में गर्मी नहीं बनने देता, लैक्टिक एसिड बेसाल यानी गैस नहीं बनने देता किसी तरीके की। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।